जैन धर्म जो है ऋषभदेव भगवान के द्वारा चलाया गया, ऋषभदेव भगवान के द्वारा, उन्हीं के पुत्र हुए भरत, जिनके तीन जन्मों का वर्णन भागवत में आता है। कितने कितने कौन कौन मुक्ति चाहते हैं अपनी, कि दोबारा इस धरती पर नहीं आना चाहते हो कि नहीं? आना नहीं चाहते, कई लोग तो जाना ही नहीं चाहते धरती से, कई लोग तो बात ही नहीं सोच रहे कि हमें जाना भी है। उन्हें लग रहा है कि नहीं हम थोड़ी जाएंगे, यही लोग जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। एक बात कंफर्म है, जाना पड़ेगा, तुम चाहो या मत चाहो, लेकिन दोबारा ना आना पड़े इसके लिए एक प्रयास अवश्य करो। ये भरत जी महाराज के तीन जन्मों के प्रसंग से हमको मिलता है। भरत जी महाराज का तीन जन्मों का वर्णन भागवत में आता है, तीन जन्मों का। भरत जी महाराज राजा भरत थे, और राजा भरत होते हुए एक सीमा होती थी पहले, कि जब बच्चे बड़े हो गए, सुयोग्य हो गए, हमारी एक एज हो गई, तो चलो अब संसार का त्याग करें, वन में जाएं, भगवान का भजन करें, अपने बच्चे को राज्य दें। राजा लोग अधिकांश यही करते थे। तो एक समय होने पर भरत जी अपने पुत्र को राज्य देकर गए, और जब पुत्र को राज्य देकर भरत जी महाराज गए, सरोवर के तट पे उन्होंने कुटिया बनाई और कुटिया बनाकर रहने लगे, भजन करने लगे। एक भी दिन किसी की याद नहीं आई घर वालों की। आप लोग एक दिन के लिए भी वृंदावन जाते हो तो फिर याद आती रहती है, घर में क्या होगा, क्या हो रहा होगा, है ना, आती है कि नहीं? लेकिन भरत जी महाराज इतना बड़ा राज्य छोड़कर आए, इतना सब छोड़ के एक भी दिन न रानी की याद आई, न महल की याद आई, न किसी की याद आई, कुछ नहीं। ये सब तो ठीक था, पर हुआ क्या? एक दिन एक मृगी जल पीने के लिए आई, उन्हीं की कुटिया के आगे सरोवर थी, सरोवर में एक मृगी जल पीने के लिए आई, और जब वो जल पी रही थी, वो गर्भ से थी, वो गर्भिणी थी, जब वो जल पी रही थी तो उसी समय कहीं से सिंह के दहाड़ने की आवाज सुनी, और उसकी आवाज को सुनकर वो डर गई, और डर की वजह से, भय की वजह से उसका प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुआ, और उसके गर्भ से वो मृग का बच्चा जन्म ले लिया, और वो डर नहीं समाप्त हुआ था इसलिए सरोवर में कूद गई। सरोवर में ज्यादा देर तैर नहीं सकी इसलिए वो मर गई, और ये सारा दृश्य भरत जी देख रहे हैं। जीवों को दया करनी चाहिए, ध्यान रखो, एक सुनो, भगवान का स्वभाव है दया करना, क्रूरता करना दुष्टों का स्वभाव है, और जो भक्त होते हैं उनमें भी दया का स्वभाव होता है। समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं, एक दयावान होते हैं क्योंकि वो भगवान को मानने वाले होते हैं। भगवान को मानने वाले लोग हमेशा दयाशील होंगे, और जो अपनी में रहते हैं वो कभी किसी पर दया नहीं करते, वो तो अपने बच्चों पर दया नहीं करते, औरों पे क्या करेंगे। कई माँ बाप को नहीं देखा बड़ी जोर जोर से पीटते अपने बच्चों को, ऐसे समझो जैसे इसी से दुश्मनी है पिछले जन्म की, बच्चों पे भी दया नहीं करते। दया धर्म को रूप है, ये जो दया है ये पहला चरण है कि हम में धर्म है। आप जितने दयावान होंगे उतने ही श्रेष्ठ होंगे, उतने ही भगवत कृपा पात्र होंगे आप। भगवान सबसे बड़े दयालु हैं, उनसे बड़ा दयालु कोई नहीं। पूरे 84 लाख योनियों में हम भटकते रहते हैं, कभी भगवान की याद नहीं करते, लेकिन एक जन्म में भी अगर हम भगवान के टोटली सरेंडर हो जाएं तो 84 लाख योनियों के पापों को भूल जाता है भगवान, और वो हमें क्षमा कर देता है क्योंकि उसके अंदर दया है। क्या है उसके अंदर, जोर से बोलो। और वो भरत जी किसके भक्त हैं, भगवान के, तो उन्हें आ गई दया किस पे, मृग के बच्चे पे। मां मर गई है इसके,
मां मर गई है इसकी, अब इसका लालन पालन कौन करेगा? ये तो बेचारा तड़प तड़प के मर जाएगा भूखा प्यासा। तो भरत जी को दया आई और दया में उस मृग के बच्चे को अपनी झोंपड़ी में ले आई। आप लोग भी दो चारों को पाल लिया करो, ज्यादा नहीं पाल सकते तो दो चारों को, तो दो चारों को नहीं घर नहीं ला सकते तो वहीं रोटी दे दिया करो। जैसे नहीं कोई सड़क पर रहते हैं, कोई इधर रहते हैं, जरूर एक आध का पालन करो, भगवान तुम पर दया जरूर करेगा। सिर्फ अपने बच्चों के लिए मत पर इकट्ठा करो, कसम से ये बच्चे तुम्हें नरक ले जा सकते हैं, लेकिन जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं अगर उसकी सहायता तुमने की है ना, वो एक सत्कर्म तुम्हें ठीक ठाकुर जी के पास पहुंचा देगा, गोविंद का बना देगा। किसका बना देगा माय डियर? अब वो बोले बच्चों को पालो पोसो, बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा सा ऑफिसर बनाओ, ऑफिसर भी ऐसा बनाओ जो धर्म को आगे बढ़ाए, जज बनाओ जो धर्म के पक्ष में निर्णय दे, नेता बनाओ जो बढ़िया सा कुर्सी पे बैठ के हमारा जो है सनातन के हित में काम करे, बिजनेसमैन बनाओ इतना बड़ा कि महाराज पूरे विश्व में नाम हो, लेकिन इतना बड़ा बिजनेसमैन हो कि जब बिजनेसमैन हो तो सिर्फ धर्म के, हमारे बिरला जी का नाम सुना है आपने? मैं आज तक नहीं मिला लाइफ में उनसे, हो पता नहीं मिलना हो भी पाएगा कि नहीं, इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा शायद, पर मैं कभी भी बिरला जी को नहीं भूलता। क्यों नहीं भूलता? इस देश में एक भी बड़ा शहर ऐसा नहीं है जहां बिरला जी ने अपने धन से भगवान के विशाल काय मंदिर नहीं बनाए हो। ये सही माने में बिजनेस है जो धन के साथ साथ धर्म को आगे बढ़ाए, लोगों की बुद्धि शुद्ध करे, ऐसे स्थान का डेवलपमेंट करे। तो दया करो, वो भरत जी महाराज दया की और दया उस बच्चे को ले आए, उसका लालन पालन करने लगे और यहीं उनका अट्रैक्शन फंस गया। दया होना अलग बात है लेकिन उसमें लिप्त हो जाना अलग बात है। उनका मन उसमें लग गया, खाएंगे बाद में पहले उसे खिलाएंगे, जल बाद में पिएंगे पहले उसे जल पिलाएंगे, सोएंगे बाद में पहले उसे सुलाएंगे, आदि आदि क्रम में फंस गए। एक दिन मृगों के समूह को देखकर वो बालक मृगों के साथ चला गया। अब मृग के जाने पर देखो, बच्चों को अपने खुद के पुत्रों पुत्र को छोड़ के आ गए, लेकिन मृग के बच्चे में आसक्त हो गए। ऐसी आसक्ति हुई कि हा मृग हा मृग हा मृग कहते कहते अपने प्राणों का त्याग कर दिया, अपने प्राण त्याग दे। प्राण कैसे त्यागे? मृग मृग कहते कहते। मन किस में था? मृग में। तो अगला जन्म किसका हुआ? बोले मृग का। अंत मति सुगति, अंत में मरने वाले की जैसी मति होती है अगले जन्म में उसकी वैसी गति होती है। आपका मन जिसमें होगा आपको अगला जन्म वैसा मिलेगा। भरत जी महाराज को मृग बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा माय डियर? जोर से बोलो, तुमको क्या बनना है? तुलसी मृग के मोह में भरत धरी नर दे, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सने, एक मृग्या के मोह में भरत धरी मृग दे। एक मृग के मोह में आकर भरत जी को मृग योनि में जाना पड़ा। हमारा क्या होगा? हमारा मन तो दुकान में भी है, हमारा मन मकान में भी है, हमारा मन संतान में भी है, और हमारा मन दाम में भी है, हमारा मन नाम में भी है, हमारा मन तो सब जगह है कि नहीं? बोलो, फिर हम क्या क्या बनेंगे? बोलो, क्या क्या बनना पड़ेगा? अब ये कहो कि हमारे ऊपर ये रूल नहीं चलता तो तुम्हारी मूर्खता है। तो मनुष्य हो, ये रूल भगवान का है,
तुम अच्छा बुरा करोगे भगवान उसका फल देगा, अच्छा बुरा देगा, ये रूल भी भगवान का है, ये किसी मनुष्य का नहीं है, ये सारे रूल्स भगवान के हैं। तुम जैसा कर्म करोगे तुम्हें वैसा बनना पड़ेगा, ये रूल भगवान के हैं। तो भरत जी महाराज की इस कथा से हमें यह सीखने को चाहिए कि जब जीवन विश्राम की ओर संध्या की तरफ जा रहा हो, साधु कैसा होता है, कल्याण का मार्ग चाहने वाला कैसा होता है, भक्त कैसा होता है, बोले सूर्य की तरह। बोले सूर्य की तरह कैसे, बोले जब सूर्य उदय होता है ना तब भी उसका स्वभाव ताम्र स्वभाव होता है, ताम्र कलर होता है, और जब अस्त होता है तब भी उसका ताम्र होता है, स्वभाव सेम होता है। इसका मतलब है जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, सुख में फूले नहीं और दुख में दुखी ना हो, रोए नहीं। सुख आ जाए तो वैसे ही विनम्र बने रहो, और दुख आ जाए तो ठाकुर जी के आगे चरणों में प्रार्थना करते रहो, सहलो ये सोच के कि मेरे ही पापों का फल होगा। अच्छा है मेरा प्रारब्ध कट जाएगा, थोड़ा सा भी बुखार आ जाए पूरी दुनिया को फोन कर करके दुखी कर देते, अरे सहलो प्रारब्ध है, क्या जरूरत है दुनिया में डोरा पीटने की, कोई आवश्यकता नहीं है। भरत जी महाराज की इस कथा से हमको सीखना चाहिए अगर कहीं फंसे तो 84 लाखों में बार बार आना पड़ेगा, इसलिए जीवन भर एक ही काम करो। बोले क्या, भगवान को मनाने की कोशिश। वो कैसे मानेंगे, बोले उन्हें मनाने का एक ही प्रयास है, दुनिया का काम शरीर से करो और मन ठाकुर जी में लगा के रखो, अहर्निश राधे गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद, चल भी ना बोल मुंह से ना भी बोल रहे तो मन में यही चलता रहे, मन में यही चलता रहे, सुख में हो दुख में हो जब हो जैसे हो जहां हो वहीं सुख दुख में नाम जपो, जपो नाम। अच्छा होगा, भला होगा, लाभ होगा।